हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर समा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एफपी प्लस क्रीम के बारे में दोस्तों, जो कि कुछ इस तरीके से है। मैं इसकी पिक्चर भी लगा दूँगी। फिलहाल जो है कैमरा फोकस नहीं कर रहा, मैं इसकी पिक्चर लगा दूँगी, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा ये क्रीम को इस्तेमाल करने का क्या तरीका है। साथ ही साथ इस क्रीम में ऐसी कौन कौन सी इंग्रेडिएंट है जो हमारी स्किन को ब्राइटन करने के लिए, और साथ ही साथ हमारी जो स्किन पर पिंपल्स हो जाते हैं, एक्नी हो जाती है, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम हो जाती है, व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम हो जाती है, इन सभी को कैसे रिकवर करता है, ठीक करता है, इसी के बारे में पूरी जानकारी दूंगी। साथ ही साथ इसके क्या साइड इफेक्ट हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और मैं अपनी क्लिनिक में एक या दो या तीन क्रीम नहीं रखती हूँ। आप सभी अच्छे से जानते होंगे, नॉर्मल सी बात है कि कोई भी अगर होम्योपैथिक डॉक्टर हो या कोई भी फिजिशियन हो तो उसके पास बहुत सारे क्रीम्स का यानी कि ऑइंटमेंट का कलेक्शन होता है, काफ़ी सारे मेडिसिन के कलेक्शन भी होते हैं, और साथ ही साथ जो हर पेशेंट का जो स्किन होता है वो भी सेम नहीं होता दोस्तों। बहुत बार मैं जो कील मुहासों के लिए नॉर्मल सी क्रीम अगर दे दूँ, फेयरवे वगैरह भी दे देती हूँ, तो उससे भी बहुत सारे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। पर बहुत बार ऐसे पेशेंट भी आते हैं, आपके पास आते होंगे, अगर आप होम्योपैथी के प्रैक्टिशनर हैं तो आपके पास भी काफ़ी ऐसे पेशेंट आते होंगे जिनको एक बार अगर आप कोई ऑइंटमेंट देंगे तो उस ऑइंटमेंट से उन्हें काफ़ी जल्दी रिलीफ नहीं मिलता है। तो उस सिचुएशन में आपको ये जानना होता है कि पेशेंट के ऊपर कौन सी क्रीम या फिर कौन सी क्रीम या कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो इफेक्टिव हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो स्पेशली मैं ये जो ऑइंटमेंट है दोस्तों, ये कील मुहासों के लिए है, यानी कि आपको अगर पिंपल की प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको स्कार्स की प्रॉब्लम हो रही है, साथ ही साथ ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम हो रही है, उन सभी कंडीशन में ये जो क्रीम है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है। आप पीछे से भी देख लीजिए इस तरीके की इसकी पैकेजिंग है, काफ़ी सुंदर और लग्जरियस पैकिंग है इसकी दोस्तों। तो बहुत ही खूबसूरत इसकी पैकिंग भी है और इसका जो काम है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको पिंपल हो रही है, अगर आपको पिंपल की जो समस्या है काफ़ी ज़्यादा दिनों से है, साथ ही साथ जो पिंपल है अगर आप उसे दबाते हैं तो उसमें से पस भी निकलता है, ब्लड भी निकलता है, और बहुत बार जो पिंपल्स होते हैं उनमें से पानी जैसा लिक्विड भी निकलता रहता है। तो अगर इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम आपको हो रही है तो आप इस ऑइंटमेंट को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। ये ऑइंटमेंट जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, जैसा कि इसमें क्लेम किया हुआ और उसमें लिखा भी हुआ है कि ये एक्नी के लिए, पिंपल्स के लिए, ब्लैक हेड्स के लिए, पिटिंग एंड स्कार्स के लिए जो हमारे फेस पर हो जाती है, और साथ ही साथ प्रोराइटिस के लिए और अनहेल्दी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होने वाली, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव क्रीम होने वाली है दोस्तों। तो जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी इंग्रेडिएंट है। तो जो सबसे पहले इसमें इंग्रेडिएंट है दोस्तों वो है थूजा। थूजा आप सभी जानते होंगे, हमारी जो स्किन पर छोटे छोटे मोल्स हो जाते हैं, जो छोटे छोटे ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, उन सभी को रिमूव करने के लिए थूजा काफ़ी हेल्पफुल है। इसके बाद की जो अगले इंग्रेडिएंट है दोस्तों वो है बेरबेरीज एक्वाफोलियम। कोई भी ऑइंटमेंट हो, कोई भी फेयरनेस क्रीम हो, कोई भी पिंपल रिकवरिंग क्रीम हो, अगर उसमें बेरबेरीज एक्वाफोलियम ना हो तो मेरे हिसाब से वो जो क्रीम है, ऑइंटमेंट है, वो अधूरा है जो कि ऑलरेडी इसमें एडेड है। और बेरबेरीज एक्वाफोलियम दोस्तों काफ़ी इफेक्टिव होने वाली है हमारे स्किन के लिए। इसके बाद की जो अगली इंग्रेडिएंट है दोस्तों वो है कैलेंडुला। कैलेंडुला तो बहुत ही काफ़ी ज़रूरी है, अगर आपको बार बार पिंपल्स आ रहे हैं, आपकी जो प्रॉब्लम है बार बार हो रही है, तो उस कंडीशन में एंटीसेप्टिक की तरह कैलेंडुला काम करती है जो कि इसमें ऑलरेडी एडेड है। उसके बाद की जो अगली मेडिसिन है दोस्तों वो है इसमें लेडमपॉल। लेडमपॉल दोस्तों हमारी जो स्किन पर छोटे छोटे ब्लैक छोटे छोटे काले धब्बे हो जाते हैं, बहुत बार आप देखेंगे इस तरीके की काली काली पिगमेंटेशन हो जाएगी स्किन पर, उस कंडीशन में लेडमपॉल काफ़ी यूजफुल होने वाली है। अगली जो मेडिसिन है दोस्तों वो हाइड्रास्टिस। हाइड्रास्टिस दोस्तों हमारी स्किन के यानी कि चर्म रोगों के लिए काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन होने वाली है जो कि ऑलरेडी इसमें एडेड है। और साथ ही साथ अगर आपके पिंपल में काफ़ी ज़्यादा खुजली होती है, गर्म रहती है स्किन और काफ़ी ज़्यादा जलन होती है, उस कंडीशन में हाइड्रास्टिस काफ़ी यूजफुल होने वाली है। इसके बाद की अगली जो मेडिसिन है दोस्तों वो है कुरकुमा लौंगा। तो दोस्तों कुरकुमा लौंगा भी काफ़ी इफेक्टिव होने वाली है मेरी स्किन की जो कलर है उसे ब्राइट करने के लिए, उसे इन्हेंस करने के लिए ये जो मेडिसिन है काफ़ी यूजफुल होने वाली है जो कि ऑलरेडी इसमें एडेड है। तो दोस्तों यहाँ पे आप एक बात ही हमेशा याद रखिएगा कि ये सिर्फ पिंपल्स में, ब्लैक हेड्स में और साथ ही साथ छाइयों में और कील मुहासों में ही आप इसे इस्तेमाल कीजिएगा, ये फेयरनेस के लिए आपकी कोई काम नहीं आने वाली है। अगर आप इसे लगाते हैं और आपको ये सूट करती है तो आप ज़रूर लगाइएगा, लेकिन ये फेयरनेस के लिए आपको काम नहीं आने वाली है।
तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगी कि अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है, छाइयों की प्रॉब्लम है, साथ ही साथ सनबर्न की प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में आप इस क्रीम को लगाइएगा और आपको 100% अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे इसकी प्राइस कितनी है मैं वो भी बता देती हूँ। इसकी जो MRP है दोस्तों वो है 110 रुपये की, और इसकी जो क्वांटिटी है वो आई थिंक इसकी क्वांटिटी है 25 ग्राम, जो कि इस पर मेंशन किया गया है 25 ग्राम की क्वांटिटी है और 110 रुपये की, काफ़ी रिजनेबल प्राइस से आपको मिल जाएगी किसी भी होम्योपैथिक शॉप पर। अगर मुझे इसका ऑनलाइन लिंक मिलता है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चाहें तो ज़रूर चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक्वी प्लस जो क्रीम है इसका रिव्यू कैसा लगा, इसके बारे में आपको मैंने जितनी भी जानकारी दी है वो एक ऑनेस्ट रिव्यू है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे किसी ब्रांड के बारे में झूठ बोलकर कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है और ना ही ये चीज़ें मुझे आती हैं। ये पर्सनली मैं अपने पैसे से लेती हूँ और पेशेंट्स को बेचने के लिए, तो मैं इसके बारे में ऑफकोर्स सच ही बताऊँगी। तो काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों, आप इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा पिंपल्स के लिए, बहुत ही जल्दी आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।